एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं सोनाली शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी है शाम का टाइम, 7:00 बज गए हैं और मैं करूँ डिनर की तैयारी। और आज आपको मैं खुशखबरी मतलब सुनाऊंगी। तो गुड न्यूज़ ये है कि इलेक्शन हुए थे हिमाचल में 11 नवंबर को और उसका आज रिजल्ट निकला है 8 दिसंबर को। तो दूसरी सरकार आई है, लोगों ने चेंज किया है, तो इस बार आई है कांग्रेस। और बहुत ज़्यादा खुशी का दिन भी है, मतलब कि चेंज हो, दूसरी सरकार आई। मतलब सरकार सभी जैसी होती है, मतलब जो भी गवर्नमेंट आती है वो सब मतलब अपने अपने लिए सब अपने अपनी जगह में सब ठीक होते हैं, पर लोगों का कहना, लोगों का अलग अलग सोच होती है, लोग चेंज करना चाहते हैं, लोगों को मतलब कि कुछ प्रॉब्लम कई तरह की होती है। लोग अपने वोट देना तो अपना अधिकार होता है, जिसको देना हो। तो हमें भी कांग्रेसी हूँ, मतलब फैमिली वाले कांग्रेसी है। तो अम्मा को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि कांग्रेस आई है। हमारे उसे तो, मेरे उसे तो बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, सब एक जैसी है। पर एक होती है ना, मतलब एक्साइटमेंट होती है, मतलब कि वो चीज़ है आज। तो बहुत ज़्यादा बधाई हो। और अब हिमाचल में राज होगा कांग्रेस का, और अभी तक बीजेपी का था, अब कांग्रेस का है। कौन सीएम बनता है ये देखने वाला है, मतलब देखने के लिए इंटरेस्टेड है, मतलब कि हम लोग भी कौन सीएम बनता है और कौन उस राजगद्दी में बैठता है जो सीएम की है। तो ये थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। तो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि जो हिमाचल से नहीं है, जो हिमाचल से बाहर वीडियो देखते हैं उनको वैसे न्यूज़ के थ्रू पता लग जाता है, पर मैंने खुद से बता दिया। तो इस खुशी में आज मैं बना रही हूँ राजमा, और अभी मैंने कुछ नहीं किया, राजमा पकाई है और राजमा और माश, थोड़ा मैंने माश डाला है। और ये अनाइशा है। किसकी सरकार आई है ये? किसकी सरकार आई है नाइशू? बता नहीं। कांग्रेस। तो अभी इसके पापा नहीं आए, अभी मैं और अनाइशा ही है, वो थोड़ी लेट आएंगे। तो मैं सोचा मैंने खाना बना लेती हूँ। और आजकल यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी यहाँ पे भी, सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड होगी, आज दिन को इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। तो अभी मैं सब्जी भी लेके आए थे, मैं लेके आई थी यहाँ पे, मैंने वॉश करने को रखी है थोड़ी, उसको बाद में वॉश करूँगी, पहले मैं खाने की तैयारी करती हूँ। और आज घर पे तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि जिसको हम लोग वोट करते हैं अगर वो जीत जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इस वजह से घर में तो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, हम लोग तो नहीं जा पाए। और रैलियाँ निकली हुई है, मतलब अभी मैं खाना बनाती हूँ, तो मैं तब जब नशी के पापा आएंगे उनसे मैं पूछूंगी उनको कैसे लग रहा है, तो मैं उनसे बात करवाऊंगी आपकी। और एक बात मैंने और बोलनी थी, नशी के पापा ने भी व्लॉगिंग स्टार्ट की है, उनको भी बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे मैंने बताया इससे पहले वाली व्लॉग में उनका डाला था, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उस व्लॉग को। तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करें उनके व्लॉग को, जैसे उनको मोटिवेशन मिले कि मैं, हाँ मैं व्लॉगिंग करूँ। तो अभी हम लोग दोनों एक ही चैनल पर व्लॉगिंग करेंगे, तो वो भी दोनों हम लोग इकट्ठे ब्लॉगिंग करेंगे, ये हमने सोचा था, देखते कैसे होता है। तो आप जैसा भी होगा मैं आपके साथ ब्लॉगिंग शेयर करती रहूँगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करो प्लीज़, 1000 कर दो, यही है मेरा पहला, तो मेरा 1000 हो जाए। तो चलिए मैं खाना बनाती हूँ, बाय, तब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस मेरा यहाँ पर तड़का लग गया है, मैंने सब कुछ डाल दिया, टमाटर प्याज ड्राई मसाले और बस दाल डालनी इसमें, थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म मसाला ऐड किया था, तो उसको थोड़ा मैं मिक्स होने दूंगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी दाल, ये देखिए मसाले का कलर, और ये है मेरी दाल, ये दाल मैं इसमें ऐड करती हूँ। इसको मैंने दाल ऐड कर दी है, और थोड़ा हम लोग इसको प्रेस करेंगे दाल को, बिल्कुल अच्छी से पकी हुई है ये, इसे थोड़ा जब इसे पानी ऐड करेंगे ना थोड़ा घनी हो जाए एकदम, इस तरह से, और थोड़ी देर इसको इस तरह से ही पकाएंगे। थोड़ी इस तरह से पकाएंगे और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए पानी डाल दिया है इसमें, और इसको बॉयल आने तक 1-2 मिनट खुला पकाएंगे, और उसके बाद हमारी दाल रेडी है।
हेलो गाइस, तो अनायशा के पापा भी आ गए हैं। अनायशा के लिए कुछ लाए हैं। क्या लाए हैं? अनायशा की फेवरेट चीज है ये। हाँ, अनायशा को बहुत सरप्राइज से लेकर बोलते हैं मुझे ये चाहिए। दिखाओ फोन पर। हेलो है जो पापा का, क्या लाया पापा ने? क्या है? क्या अनायशा क्या बोल रहा है? ये क्या बोलते इसको? क्या बोलते? ये चाहिए था ना आपको? चाहिए था ना? है ना शिव? हाँ जी बोलो ना, ये चाहिए था। तो अनायशा को किंडर जॉय खाना था कल से लेकर बोल रही है। तो इसके लिए क्या है? इसमें क्या होता है? टॉयज होंगे। वाओ, ये क्या है? ये इसको टॉयज मिला है कुछ। नेक्स्ट वीक क्या है? डॉल। ऐसे नेक्स्ट वीक कैसे है? इसको होगा इसकी स्लिप। एक मिनट, मीरा कैसी है? ये देख, क्या मिल गया पापा को? ये क्या है? कैसे लिखा हुआ भी होगा? डॉल है, डॉल। डॉल लिखा है। वाओ, ये देखो ना शुगर गिफ्ट। वाओ, गर्ल्स की, गर्ल्स का ही होगा ये किंडर जॉय, तभी मिला है गर्ल्स का। इसको कैसे लगा ना शॉप को सरप्राइज? सरप्राइज कैसे लगा आपको आज छोटू सा पापा का? आप कल बोले थे ना पापा किंडर जॉय खाना है। बोल रहे थे ना? आजकल किंडर जॉय बंद थे ना, बहुत टाइम बाद। ए हे, कैसे लगा? वो गले में बंद रहता है कट कर कर। कैसा है? अच्छा। तो अनायशा का किंडर जॉय ओपन कर दिया है सुन मीरा इसको गिफ्ट। तो मेरी दाल बन चुकी है, अनायशा ने खा लिया। इसके लायक मैंने बना दी थी चपाती। तब तक मैं ना ये सब्जियाँ वॉश कर रही थी, जो सब्जियाँ लाई थी ये यहाँ पे वॉश करके रखी, धनिया वगैरह। और मैं अपने लिए चपाती बनाती हूँ। उससे पहले पहले अभी करेंगे, अभी पूछू कि बाद में पूछू? कैसा लगा आपको? चलो थोड़ी देर में बात करते हैं, अभी थोड़ा रेस्ट करेगा, अभी आया ये। फिर आप इनसे पूछती हूँ कि रिजल्ट निकला है, ये क्या बोलना चाहेंगे उस खुशी में, उपलक्ष पर कि कांग्रेस सरकार आई है, कैसा और लग रहा है? लोग तो कांग्रेस ही है। चलिए मैं खाना बनाती हूँ फटाफट से, फिर आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, हम लोग डिनर करके आ चुके हैं अपने रूम पे। ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए हम लोग बिस्तर पे बैठे हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे इलेक्शन हुए हैं हिमाचल में, तो कांग्रेस आई है, तो 5 साल बाद आई है। और अब देखते कौन सी एम बनता है, वो कल परसों पता लग जाएगा। और सचिन से पूछती हूँ, कैसे लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे फेवरेट कैंडिडेट विक्रम आदित्य सिंह भी जीत गए हैं, एंड रोहित ठाकुर मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। उनका तो भाषण है ना जो सुनने लायक है, जब वो मतलब संबोधन करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और वो बहुत ही ना प्यार से, मतलब बहुत ही अच्छे से पेशेंस के साथ बोलते हैं जब भी बोलते हैं। और वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। और वैसे भी हमारे ठियोग के जो कुलदीप सिंह राठौर जी है, वो तो है ही है। उनके बारे में वैसे लोग बहुत कुछ बोलते थे कि वो बहुत बड़े अहदे के नेता है, ठियोग में हार जाएंगे वो आते ही, बट उन्होंने कर दिखाया और ठियोग की जनता ने भी कर दिखाया। लोगों का ही है ये सब कुछ, अगर आखिरकार वो जीत गए तो ठियोग की जनता को बहुत बधाई। अब आगे अच्छे से एकजुट होकर काम करें। और ठियोग का थोड़ा जो 5 या 10 साल में पीछे सूखा पड़ा था ठियोग में, वो फिर से हरा भरा हो जाए, कुछ अच्छे अच्छे काम ठियोग में हो, हर जगह हो। ऐसी बात नहीं, हर जगह हो, ठियोग में ही नहीं, हर जगह हो, मतलब हर जगह लोगों ने तो सबने दिया। तो गाइस इतना ही था, और सभी को कांग्रेचुलेशन। और हम लोग मैंने जैसा आपको बताया था कि हम लोग ब्लॉग दोनों बनाएंगे, तो
मैं बोल रही हूँ ना, मैंने ट्राई किया है, पहला ब्लॉग डाला था उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और ये इसी आगे तरह आप कृपया करके प्यार देते रहे तभी हम वीडियोस बना पाएंगे, और थोड़ा सपोर्ट करते रहे, कुछ गलती हो या फिर कुछ ऐसा सजेशन हो तो हो। सुजेशंस दिया करो, तभी हाँ कुछ अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज तो हमें भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ कुछ गड़बड़ है या क्या तो है, इस क्या इम्प्रूव वीडियो कर सकते हैं। कमेंट्स में शेयर किया करो प्लीज, हम कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत बेताब रहते हैं। हमारा 1000 का अभी तो टारगेट हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, और वो धीरे धीरे अचीव हो रहा है। 6-17 ईयर बाय हम लोग हो चुके हैं, मुझे लगता है हम Jan-Feb तक 1000 का। तो गाइस मैं इस वीडियो में एंड यही करूंगी। आई होप आपको मेरा एक छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तू नेक्स्ट बाय। ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।